नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंजू गुप्ता, कंसल्टेंट सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश। आजकल हम सभी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बारे में ही बात करने में बिजी हैं, परंतु मॉनसून हमारे देश में आ चुका है और इस समय मॉनसून में होने वाली कई बीमारियां हैं, जिनमें से एक है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का मौसम के कारण क्या प्रभाव है या ये कैसे बढ़ता है, किस मौसम में बढ़ता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। चिकनगुनिया के ऊपर तीन चीज़ों का असर होता है। एक तो ह्यूमिडिटी, यानी कितना वाटर वेपर मौजूद है जो कि मॉनसून में होता है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड में ये बहुत ज़्यादा आसानी से पनपता है, और 29 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका पीक टेम्परेचर जिसमें ये होता है। और तीसरी चीज़ बारिश। तो इन तीनों ही कंडीशंस का फुलफिलमेंट इस समय हो जाता है, यानी ये तीनों ही कंडीशन हमें मिलती हैं मॉनसून के मौसम में और मॉनसून के तुरंत बाद के मौसम में। और यही स्थिति हमें मिलती है सारे कोस्टल रीजन्स में, यानी जो भी समुद्र के तटीय स्थान हैं उन सभी जगह में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर भी लगभग ऐसा ही होता है और बारिश भी कई बार होती है। तो सर्वे किया गया वायरोलॉजिकल लैब में, इसके बारे में करीब 49,250 लोग, यानी कह सकते हैं हम 49,000 से 50,000 के बीच में लोगों की जांच की गई वायरोलॉजिकल लैब में, और पाया कि 20.9%, यानी हम कह सकते हैं लगभग 21% लोग पॉजिटिव पाए गए। उन सभी में हमने IgM, ये एक तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो इस वायरस के इन्फेक्शन वाले मरीजों में मिलता है, इसकी जांच की गई। तो इन सभी पॉजिटिव पेशेंट्स में IgM का लेवल बढ़ा हुआ मिला गया। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो मौसम इस समय है बारिश का, बारिश भी है, आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है जिसके कारण मच्छर भी ज़्यादा हो रहे हैं। मच्छर यानी इसको फैलाने वाले मच्छर, एडीस इजिप्शियाई मच्छर, इनकी पॉपुलेशन इस समय बढ़ जाती है जो हमारे घर में आसपास इकट्ठा हुए पानी में पनपते हैं। तो बारिश का मौसम इसके लिए सर्वाधिक है। वैसे हमने जो सर्वे किया उसमें पाया कि साल भर ये इन्फेक्शन मिल सकता है, क्योंकि तटीय स्थान जितने भी हैं उनमें लगभग ये सभी कंडीशंस हमें मिलते हैं, टेम्परेचर के भी, ह्यूमिडिटी के भी। परंतु पूरे देश में ये सबसे ज़्यादा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में मिलता है, यानी मॉनसून और मॉनसून के जस्ट बाद के मौसम में ये इन्फेक्शन होता है। तो हमें इस समय हमेशा ही बस आप बचाव करना चाहिए, परंतु इस पर्टिकुलर 4 महीनों में हमें ज़्यादा बचाव करना चाहिए, और बचाव के तो आपको पता ही है तरीके, मच्छरों को अपने आसपास ना फटकने दें। और ये मच्छर दिन में काटने वाले मच्छर हैं, तो दिन में फुल स्लीव्स के कपड़े ज़रूर पहने और घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों में जालियाँ अवश्य लगाएँ। तो मौसम कौन सा है जिसमें ये इन्फेक्शन फैलता है, इसके बारे में आप समझ ही गए होंगे। धन्यवाद।